आजकल आप लोग एक बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे, कंजक्टिवाइटिस, जिसे आंख आना, पिंक आईज, आई फ्लू या फिर आंखों का गुलाबी होना कहते हैं। इसके लक्षण हैं, जब ये इन्फेक्शन आपकी आंखों में हो जाता है तो आपकी आंखों से लगातार पानी आता है, आपकी आंखें सूज जाती हैं और हल्की लाल हो जाती हैं और आंखों से कुछ चिपचिपा पदार्थ भी आता है। इसमें आपकी आंखों से साफ भी नहीं दिखता है। अब ये संक्रमण फैलता कैसे है? जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब ये संक्रमण फैलता है। जो वायरस है वो संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले आंसुओं के संपर्क में आने से बढ़ जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के खांसी के दौरान छींकने से भी यह संक्रमण फैलता है। अब बात कर लेते हैं इसे बचने के उपाय। अपने आंखों को ठंडे पानी से धोएं, हाथों को बार बार आंखों पर ना ले जाएं, अपने आसपास सफाई रखें, आंखों को समय समय पर धोएं, अगर बाहर जाना जरूरी है तो काला चश्मा लगाएं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के बेड, तौलिया या कपड़े का इस्तेमाल ना करें। टीवी और मोबाइल से दूरी बनाएं। अगर आंखों में ज्यादा दर्द होता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले ज्यादातर स्टेरॉइड देते हैं जिसकी वजह से और भी ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए डॉक्टर ने जो आई ड्रॉप बताया वह इस्तेमाल करें। अलावा आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब जल से आंखों का इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो गंदगी है वो हट जाएगी और इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इस फ्लू को ठीक होने में 5 से 10 दिन का समय लग सकता है, तो इसलिए टेंशन ना लें, बिल्कुल भी आराम से घर पे रहें, बाहर जाते वक्त चश्मे लगाने का ध्यान जरूर रखें।